बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। टुडे वी रीड ओवर यूनिट नंबर 16, हाउ टू स्टे सेफ। हाउ टू स्टे सेफ का मतलब होता है बाहर कैसे महफूज हमें रहना है। क्लास, इन दिस स्टोरी वी लर्न अबाउट अली, सारा और आमना। क्लास, अली, सारा और आमना जो है दे लव टू गो बस राइड। वो ना हम रोज़ बस राइड पर जाते हैं अपने फादर के साथ, बिकॉज दे लव टू राइड द बस। उन्हें पसंद होता है राइड बस करना, बस की राइड लेना। क्लास, अली और अहमद एंड सारा जो होते हैं ना, जो क्लास ये होते हैं, ये बहन भाई होते हैं। अली और आमना जो होते हैं ना, वो लाइक टू सिट नियर द विंडो। वो दोनों विंडो के पास बैठना पसंद करते हैं कि बाय सो दे कुड सी कार, मोटरसाइकिल एंड बाइक्स ऑन द रोड, ताकि वो लोगों को मूव करता देख सके रोड्स पे। क्लास, क्या होता है, वन डे बस वाज लेट, बस जो होती है वो लेट होती है। अब जो फादर होते हैं ना, वो बच्चे वेट कर रहे होते हैं, वो जब वेट करते करते बोर हो जाते हैं ना बच्चे, तो उनके फादर क्या करते हैं, गोट अ बार ऑफ चॉकलेट ईच फॉर अली, आमना एंड सारा। वो तीनों बच्चों के लिए क्या करते हैं, बार ऑफ चॉकलेट खरीदते हैं ताकि वो खाएं। जब वो उन्हें बार ऑफ चॉकलेट पकड़ाते हैं ना, तो वो फादर टेल्स अली दैट ही वाज गोइंग, कि वो जा रहे थे, ही वाज गोइंग टू बाय द टिकट्स। वो अली को बताते हैं कि वो टिकट बाय करने जा रहे हैं, और उन्हें एडवाइस करते हैं कि यू मस्ट नेवर टॉक और गो विद एनी वन विद एनी स्ट्रेंजर, टू एनी वन विद एनी स्ट्रेंजर। क्लास, वो कहते हैं कि किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, किसी भी जो अजनबी बंदा है उसके साथ आपने बात नहीं करनी है, उसके साथ कहीं जाना नहीं है। दे मस्ट हार्म यू, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम जब बाहर होते हैं तो हम ऐसे बंदे के साथ हमें नहीं जाना चाहिए जो कि हमें नुकसान पहुंचा, जो हमें, जिसको हम नहीं जानते, क्योंकि वो हमें हार्म कर सकता है, आपको किडनैप कर सकता है, वो आपको कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो क्लास, ऐसे ही होता है, वो जब बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तो क्लास एक स्ट्रेंजर आता है, एक स्ट्रेंजर आते, एक अजनबी आता है, वो अली को कहता है डू यू नो वेयर द कैंटीन इज, कहता है आई एम थर्स्टी एंड आई वांट टू ड्रिंक समथिंग, मे बी अ टीन ऑफ जूस और वाटर समथिंग एल्स। तो क्लास, वो उनसे पूछें टीन का पूछता है, तो वो जो अली जो होता है और जो आमना और सारा होते हैं ना, दे पॉइंटेड टूअर्ड द डायरेक्शन ऑफ द कैंटीन। दे कहते हैं वो कैंटीन की डायरेक्शन बताते हैं उसको हाथ के इशारे से, कहते हैं यस इट इज़ बिहाइंड द टिकट बूथ। उसको कहते हैं टिकट बूथ जो है उसके, वो क्या है, वो बिहाइंड, उसके पीछे है। तो क्लास, स्ट्रेंजर वो कहते हैं अली को, सेट यू कम अलोन विद मी एंड शो मी प्लीज़। कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही किस डायरेक्शन में बता रहे हो आप, के साथ आओ और मुझे कैंटीन का बता दो। क्लास, सडनली अली रिमेंबर्ड हिज फादर्स एडवाइस। उसको अचानक अपने जो वालद हैं उनकी एडवाइस याद आती है, नसीहत याद आती है। वो उसको कहता है कि नो आई कैन नॉट कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उसे अपोलोजाइज करता है और उसको डायरेक्टली क्या करता है, मना कर देता है। ऐसे क्लास, अभी वो उससे बात कर रहा होता है, उसने इंकार कर चुका होता है, उसके फादर आते हैं, कहते हैं हैंक आ जाओ, बस आ गई है। वो क्या करते हैं, वो हैप्पीली अपने फादर की तरफ जाते हैं और बस की राइड करते हैं दोबारा। क्लास, ऐसे ही वो अपने आप को और अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को एक बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं, समझदारी से काम लेते हुए। क्लास, ऐसे ही जब हम लोग क्लास अपने घर से बाहर होते हैं या और हमें या हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होते, तो हमें किसी भी अजनबी, किसी स्ट्रेंजर से जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, हमें उसके साथ जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर कोई हेल्प मांगे तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, लेकिन बता के या उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, उसके साथ जाना नहीं चाहिए। क्लास, नाउ वी रीड ओवर लेसन। अली, आमना एंड सारा गो आउट एवरी डे फॉर अ बस राइड विद देयर फादर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस वन डे व्हेन द बस वाज लेट। अब क्या होता है जब एक दिन बस लेट होती है। क्लास टीचर ने मीनिंग लिखे हुए हैं, आप लोग मीनिंग भी साथ देख लीजिएगा। अली, आमना एंड सारा लव्ड गोइंग ऑन द बस। अली एंड आमना लाइक टू सिट नियर द विंडो सो दे कुड वॉच द कार्स, मोटर बाइक्स एंड पीपल ऑन द रोड। वन डे द बस वॉज लेट, बस लेट होती है। फादर गोट अ बार ऑफ चॉकलेट ईच फॉर अली, आमना एंड सारा। ही आस्क देम टू वेट वाइल ही वेंट टू बाई टिकट्स। अब वो उन्हें चॉकलेट देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वेट करें जब तक वो टिकट्स खरीद के आते हैं, इंतज़ार करने के लिए उनको कहते हैं। बिफोर गोइंग फादर सेड यू मस्ट नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर व्हेन यू आर आउटसाइड, यू मस्ट नेवर गो एनीवेयर विद देम, दे माइट हार्म यू। अब जाने से पहले उनको फादर बताते हैं कि आपको किसी स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करनी, उसके साथ जाना बिल्कुल नहीं है, वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। As Ali, Amna and Sara were sitting on the bench, a stranger came to them and said, "Hello, do you know where the canteen is?" Stranger आकर उनसे canteen के बारे में पूछता है। I am thirsty, मैं प्यासा हूँ। I want to get something to drink, maybe a tin of juice. Ali pointed in the direction of the canteen and said, "Yes, it is behind the ticket booth." वो बताते हैं कि ticket booth के behind है, वो पीछे है। Stranger said, Can you come alone and show me please? क्या मेरे साथ आ सकते हो, मुझे दिखा सकते हो? अली सडनली रिमेंबर्ड हिज फादर्स एडवाइस। उसको अपने वालद की नसीहत याद आती है एंड पोलाइटली रिफ्यूज, वो नरमी से इनकार कर देता है। हैंक वेंट द हॉर्न ऑफ द बस,
Just then the bus entered from the gate and they heard the their father's voice. वो अपने वालिद की जो है वो आवाज़ सुनते हैं और ठीक है जो बस होती है वो अंदर आती है गेट से. हरी अप चिल्ड्रन जल्दी करो बच्चों, द बस इज़ हियर एंड ही सेड. द थ्री चिल्ड्रन हैप्पीली गॉट अप फ्रॉम द बेंच एंड रश टुवर्ड्स देयर फादर. दे वर गोइंग टू राइड द बस अगेन. वो क्या करते हैं दोबारा बस की राइड के लिए रेडी हो जाते हैं. क्लास आप लोगों ने इनके पेज के दोनों पेजेस की जो है वो डिक्टेशन प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आप लोगों ने करनी है और इसको अच्छे तरीके से रीड करने के बाद आप लोगों ने आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ओपन योर क्लास पेज नंबर 70. आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द लेसन. वेयर डिड अली एंड आमना लाइक टू सिट नियर द विंडो इन द बस. क्यों बैठना पसंद करते हैं वो इन विंडो के नज़दीक. सो दे कुड सी कार मोटर बाइक्स एंड पीपल ऑन द रोड, ताकि वो लोगों को बाइक्स को और मोटरसाइकिल्स को जो है वो रोड पर लोगों को देख सके. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड फादर बाय फॉर द चिल्ड्रन. फादर बॉट अ बार ऑफ चॉकलेट फॉर द चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट एडवाइस डिड फादर गिव टू द चिल्ड्रन बिफोर ही वेंट टू बाय टिकट्स. फादर एडवाइज हिज चिल्ड्रन नॉट टू टॉक टू एनी स्ट्रेंजर. Why? What did the stranger ask for the children? The stranger asked about the canteen. Why did Ali refuse the stranger? Because he remembered his father's advice. If you were Ali, would you talk to the stranger? No, I did not talk to the stranger. मैं कभी भी stranger से बात नहीं करता. करता या करती? Class, next open your page number 71. Class about long vowels. Class long vowels होते हैं जिनमें जो लॉन्ग वॉइस देते हैं. क्लास ज़रूरी नहीं है उसमें डबल ई डबल ओ, दो वॉवल्स इकट्ठे यूज़ होते हैं उसमें, जैसे कैंटीन गोट डे. क्लासेस देखें इसमें वन ओ यूज़ हो रहा है लेकिन वो वाज़ गोट की दे रहा है, मतलब कि डबल ओ की वॉइस आ रही है उसमें. ए वाई की डे, ए डब्ल्यू वेट. क्लास अब पंक्चुएट करना है. अब क्लास एक्सक्लेमेशन मार्क की पंक्चुएशन में देखनी है. क्लास एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर सरप्राइज्ड, when we are happy और when we are sad. हम sad होते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, किसी को order देते हैं, हम happy होते हैं या हम बहुत ज़्यादा excited होते हैं, then we क्या use करते हैं exclamation mark. जैसे wow I love this ice cream, bang the doors slammed. class ऐसे देखें अब आप लोगों ने bang वो order किया है, hello greeting करते हैं, किसी को रुकने का बोलते हैं या कोई हुक्म देते हैं तो हम क्या use करते हैं exclamation. आप लोगों ने भी ऐसे इसको solve करना है. Now class open your page number 72. Class verb, action word is called verb. Class action word जो भी होता है वो क्या कहलाता है, हमारा verb होता है. किसी भी मतलब के simple words में teacher आपको बताते हैं कि कोई भी काम का करना, do something is called verb. जैसे you are listening to me, आप मुझे सुन रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, that is called verb. I am teaching you, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, that is also a verb. कोई काम करना जो होता है वो verb कहलाता है. सारा सिटिंग ऑन द बेंच, इसमें सिटिंग जो है वो वर्ब है. आमना इज़ ईटिंग अ चॉकलेट, ईटिंग जो है वो क्या है वर्ब है. अब स्ट्रेंजर इज ड्रिंकिंग जूस, बाइंग, हमें वर्ब लगा के इन सेंटेंसेस को पूरा करना है. क्लास ना पेज ओपन योर पेज नंबर 73. लाइक्स एंड डिसलाइक्स. क्लास से आप लोग को एक वर्ड बैंक दिया हुआ है, जो आपको चीज़ें लाइक हैं वो इधर लिखनी है और जो डिसलाइक है वो इधर लिखनी है. और ना जैसे टीचर ने सेंटेंसेज बनाए ऐसे अपने फोर सेंटेंसेज बनाने और अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताना है. Now open your page number 74. Class walls है, इसमें डबल ई साउंड जो है वो हमने इसमें देखना है और इसमें डबल ई साउंड को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इन पिक्चर्स को करेक्ट वर्ड्स के साथ मैच करना है. क्लास ऐसे करना है टीचर ने किया हुआ है. आपने नेक्स्ट पेज नंबर 75 ओपन करें. क्लास डबल ई साउंड इसमें देखने हैं और उनको आप लोगों ने सर्कल करना है, डबल ई साउंड्स को, डबल ई वर्ड्स को. क्लास वो साउंड्स भी हो सकते हैं और वर्ड्स भी हो सकते हैं. पेज नंबर 76. आप लोगों ने डबल ओ को यूज़ करते हुए इसमें करना है, डबल ओ को यूज़ करते हुए अपने पिक्चर्स को जो है वर्ड्स को लिखना है. जैसे स्टूल, स्कूल, पूल, फ्रूट और ब्लू. और क्लास ज़रूरी नहीं है कि डबल ओ ही यूज़ हो, डबल ओ साउंड होना चाहिए. जैसे फ्रूट, क्लास फ्रूट में आर यू आई टी है, ओ तो यूज़ ही नहीं हो रहा लेकिन फ्रूट वाज जो वो साउंड है वो डबल ओ की ही दे रहा है. क्लास ऐसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और अपने इस लेसन की डिक्टेशन प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है.